महादेव की नगरी से बीजेपी को जीत का आशीर्वाद मिला है, लेकिन पार्टी में हालात यहाँ अब जूतम पैजार वाली है। एक ही पार्टी के विधायक सांसद आपस में उलझ गए हैं। सियासी जंग नारायण दास और निशिकांत दुबे के बीच छिड़ गया है। समीक्षा बैठक के लिए जिस कमरे का देवघर में बीजेपी ने चयन किया था वो युद्ध क्षेत्र बन गया था। देवघर में विधायक सांसद के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। नौबत हाथापाई तक आ गई। समीक्षा बैठक का नतीजा निकला नहीं, उल्टा मामला थाने तक जा पहुंचा। जीतने के बाद देश की ओर से रायशुमारी का कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज माननीय प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय जी समीक्षा के लिए यहाँ पहुँचे थे और बैठक प्रारंभ भी नहीं हुई थी, लेकिन माननीय निशिकांत दुबे के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया, मेरे ऊपर भी हमला किया गया और मुझे मां बहन लगा के गाली दिया गया। ये कहीं से नियम संगत नहीं है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। एक दलित विधायक के साथ ऐसा करना, अगर उनको ताकत है तो मधुपुर जाके करके दिखाए। यहाँ तो हमने 41,000 वोट से ज़्यादा वोटों से उनको लीड दिलाने का काम किया है, उसको ताकत है तो मधुपुर जाके करा दे, उसको ताकत है तो गुड्डा जाके करा दे, उसको ताकत है तो महगामा जाके करा दे, उसको हिम्मत है तो पड़ोया हाट चला जाए, वहाँ भी अपनी औकात को दिखा दे। देवघर से लोकसभा चुनाव में वोट कम क्यों हुए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। जवाब बंद कमरे में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय को क्या मिला वो ही जाने। कमरे से बाहर जंग की तस्वीर के साथ साथ बीजेपी विधायक सांसद की अंतर्कलह सामने आ गई। 2019 के मुकाबले 2024 में लीड कम मिलने की चर्चा गर्म हो गई, इतनी गर्म कि सभ्यता कमरे से चुपचाप और बेबस होकर निकल गई। दलित विधायक के साथ बराबर 2019 से ही उन्होंने अपने टारगेट पर मुझको रखा है और जब 2009 में चुनाव जीतने के लिए आए उनके साथ कोई नहीं था, एक बुलबुल राय एक हम थे जिन्होंने उनके लिए काम किया। आज बुलबुल राय कहाँ है, आज नारायण दास कहाँ है, और भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन वाली पार्टी है उनके कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं, एक भी कार्यकर्ता ने उनके गुंडों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अब देवाशीष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके साथ मारपीट किया, गंगाधर मंडल उसके साथ मारपीट किया, हमारे गिरेबान को पकड़ा गया, हमें मां बहन लगा के गाली दिया गया। तो ये काम जो है एकमात्र गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा किया जा रहा है। अब जिसने विपक्ष को भी हर मुद्दे पर घेरा वो निशिकांत दुबे अपने ही इलाके में अपनों से घिर गए। बीजेपी विधायक नारायण दास की तरकस से निशिकांत दुबे पर आरोपों के हर वाण चले। अब अस्पताल के कमरे में बैठे निशिकांत तक भी आरोपों की ये गूंज पहुंची। देवघर से बीजेपी विधायक के आरोपों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जवाब देने के लिए 20 तारीख का वक्त दे दिया। वक्त के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी कि धैर्य रखें। समीक्षा बैठक में हम लोग गए और बीते दिनों अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हम कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर इस चुनाव में सफल बनाए। नारायण दास जी के नेतृत्वाघात किया और वहाँ उनके लोगों ने इस्तीफा पे इस्तीफा दिया और उन्हीं लोगों को उस बैठक में बुलाया गया। हम लोग अपेक्षित नहीं थे, फिर भी हम लोग जो प्रदेश से लोग आए थे उनसे मिलने गए, जो हमारे नेता आए थे वहाँ पे। जाने के बाद नारायण दास जी ने पर्सनली हमको
टारगेट करके बोले कि इसको निकालो बाहर, और कुछ हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया। हम लोग बस अपनी बातों को रखने गए थे और कोई मकसद नहीं था, ना लड़ाई का ना झगड़ा का, सारा लड़ाई झगड़ा का मुद्दा वो लोग बना। वो लोग जितना लोग विकासघात किए उन लोगों की कार्यकर्ता लोग किए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड बीजेपी में अंतरकलह उभर आया है। अब वर्चस्व की ये जंग है या नतीजों पर रार, इसके लिए करना होगा 20 जून तक का इंतजार, क्योंकि नारायण दास के आरोपों का जवाब लेकर निशिकांत दुबे भी हैं पूरी तरह तैयार।